नमस्ते दोस्तों, आज मैं कुछ नया ट्राई कर रहा हूँ और वो है एक वीडियो हिंदी में बनाने का। वैसे मुझे हिंदी सुनने में और बोलने में बहुत मज़ा आता है, हालांकि मेरी एक अमेरिकन एक्सेंट है जब मैं हिंदी बोलता हूँ, तो उसके लिए मैं थोड़ा शर्माता हूँ, लेकिन फिर भी आज कोशिश करूँगा। और इसकी वजह यह है कि मेरा एक सब्सक्राइबर यश है, वो कई वीडियोस में कह चुका है कि तुम हिंदी में कभी बात क्यों नहीं करते हो। तो भाई ये तेरे लिए है, आज मैं कोशिश करूँगा और पता नहीं कितना ढंग से निकलेगा, लेकिन मैं पूरी पूरी कोशिश करूँगा कि आज की टॉपिक भी हम अपने बीच में कोई अंडरस्टैंडिंग ला पाए। और ये टॉपिक ये है कि जब मैंने ब्रह्मचार्य का पालन करना शुरू किया, ये नोफैब वाली लाइफस्टाइल शुरू करी, तो क्या बदलाव आया और हमारी लाइफ में कितनी जल्दी बदलाव ला सकती है ये शक्ति। आप अगर सोचें कि गांधी जी एक पिद्दी से आदमी थे और वो साउथ अफ्रीका में एक लॉयर का काम कर रहे थे, और इतना सॉफ्ट स्पोकन, इतना मतलब टिमिड सीमिंग आदमी ने पूरी दुनिया को हिला के रख दी। और वही अकेले, मतलब बहुत सारे लोग थे इंडिया में जो क्रांति लाने की कोशिश कर रहे थे, भगत सिंह और चंद्रशेखर आज़ाद, ये सब लोग भी थे जिनने अपना ज़िंदगी कुर्बान कर दी इस एंडेवर के लिए। लेकिन गांधी भी एक सिंगुलर फोर्स थे जिनने एक पूरा कंट्री को मतलब असेंबल कर लिया, और उनने ये ब्रह्मचार का पालन करने की कोशिश तब करी थी जब वो शायद 30 साल के थे। और वो हमेशा कहते थे कि मुझ जैसा इम्परफेक्ट ब्रह्मचारी ने मुझ में इतना सारा बेनिफिट आया, अगर मैं और छोटा होके और करता तो क्या क्या हो जाता, अगर मैं पूरी ज़िंदगी ब्रह्मचार रहता तो पता नहीं मैं क्या कर लेता। और सबसे बड़ी चीज़ जो मेरी ज़िंदगी में आई इसको करने से, वो है क्लैरिटी। मतलब मुझे समझ आ गया कि मुझे क्या क्या करना है और कैसे करना है। अब करना, काम करना तो बाकी है, काम तो भाई तुझे करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना काम करे आपको कुछ मिल जाएगा। लेकिन वो जो अंदर से वो जो शक्ति आती है, वो समझ आता है कि अपने आप को कैसे कंडक्ट करना चाहिए, और ये डीप अंडरस्टैंडिंग में कि मैं हूँ क्या। कभी कभार आजकल तो मैं काफ़ी वीडियोस बनाने लगा हूँ, तो मैं अपने आप को देखता हूँ और मैं सोचता हूँ कि ये कौन है जो बोल रहा है, मुझे समझ ही नहीं आता है कि मुझ में ये इतनी बात करने की शक्ति कैसे आ गई। पहले तो दो शब्द नहीं निकलते थे ढंग से, और जब मैं एक्टिंग करने की कोशिश करता था तो इतना घबराया हुआ रहता था। और अब मतलब आप तो शायद देख ही चुके हैं कि कभी कभार इतना तेज़ी से निकलता है, अंदर से कुछ कहने की फीलिंग जो आती है, मतलब मैं आपको बिल्कुल वादा करके कह सकता हूँ कि पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। और जो आपके सपने हैं, जो आपका, जो भगवान ने आपके कान में जो विस्पर किया था जब आप कुछ भी नहीं थे, वो आखिर मतलब में दुनिया में लाया जा सकता है। बहुत ही सुंदर चीज़ होती है ये। अब मैं जो करना चाह रहा हूँ, मेरे आसपास वाले, मेरे सबसे प्रिय, मेरे माता पिता बिल्कुल नहीं समझते हैं। वैसे कॉलेज के बाद मैंने कभी कोई पैसे नहीं लिए उनसे, हमेशा सेल्फ सफिशिएंट रहा हूँ, लेकिन फिर भी ये मतलब अंडरस्टैंडिंग हमारे बीच में रहती नहीं है। लेकिन मैं अब दूर की दिशा की ओर देख सकता हूँ कि क्या क्या होने वाला है। मतलब मुझ में इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि ये रास्ता जो है मुश्किल रह सकता है, लेकिन मुझ में एक बात है जो मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, और वो मैं करके रहूँगा। चाहे मैं एक्टिंग में सक्सेसफुल
हूँ या ना हूँ वो तो शायद मेरे कंट्रोल के बाहर है, क्योंकि एक्टिंग में सक्सेस पाने के लिए दूसरे लोगों की इंतज़ार रहती है कि वो मेरे लिए दरवाज़ा खोल दें। मैं 2000 ईमेल भेज सकता हूँ, मैं 2000 ईमेल भेज चुका हूँ एजेंट पाने के लिए और अभी तक मिला नहीं है मुझे। लेकिन वो मेरे लिए रास्ता बनाए या ना बनाए, वो मेरे लिए मतलब वो कुछ खोले या ना खोले, मुझे मालूम है कि ज़िंदगी में मैं कामयाब हो ही जाऊंगा, क्योंकि ये जो शक्ति है वो मुझे बहुत तसल्ली, स्ट्रेंथ और हौसला देती है, आपको भी देगी। आप बस 30 दिन इसको निभाएं और उसके साथ साथ आप ध्यान करें गायत्री मंत्र के ऊपर, आप अपने विचारों डालें, अपना अर्जुन चक्र, सॉरी थर्ड आई चक्र, उस पर ध्यान करें और हमेशा शिव जी या राम जी के बारे में सोचें। हर सांस के साथ मैं कहने की कोशिश करता हूँ ओम नमः शिवाय, आप उसको निभाएं, मतलब कोई नहीं रोक सकता, लोग आपके बारे में कुछ कहें या ना कहें, आप रिजल्ट्स लाना शुरू कर दोगे। मुझे ये राजा की मेटाफोर बहुत पसंद है, मेरा मिडिल नेम भी राजा ही है, और ये लॉर्ड द रिंग्स द रिटर्न ऑफ द किंग, मुझे लगता है ये रिटर्न ऑफ द किंग वाला जो स्टोरी लाइन है वो पहले हम लोग ने रामायण में ही बताई थी कि राम जी को 14 14 साल एग्जाइल में रहना पड़ा और जब जब वो वापस आए तभी दिवाली हुई, तभी उजाला आया। यार ये उजालापन, ये लाइट, ये आपकी खुद की जर्नी भी है, क्योंकि राजा तो आपके अंदर ही है, और शायद पता नहीं PMO के सालों या उस पीरियड ऑफ टाइम जब जब आपके पास कोई उजाला नहीं था तो आपको लगता था कि ज़िंदगी कठिन है और मुश्किल ही रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इस दुनिया में जादू भी है, इस दुनिया में ये दुनिया बहुत रंगीन रंगीन है, इस दुनिया में बहुत ज़्यादा सुंदरता है, लेकिन उसको देखने के लिए हमारी जो अंदर की शक्ति है उसको हमें डेवलप करना है। और जो संतों ने और श्री कृष्ण ने जो भी लिखा गया है वो सब उस हर चीज़ को हमें निभाने की कोशिश करनी चाहिए, तो उसको करने से हमारी लाइफ में क्लैरिटी और उजालापन, प्रोग्रेस, लोग आपसे आकर्षित हो सकते हैं, मतलब अट्रैक्शन आएगा हर किस्म से, हर किस्म का अट्रैक्शन से, मतलब इट विल बी अमेजिंग। तो भाई लोग, ये मेरी छोटी सी कोशिश थी हिंदी में बोलने की, मुझे मालूम है काफ़ी शब्दों ने मैंने शायद गलत निकल गया हो गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, और बहुत जल्द हम फिर से बात करेंगे। तब तक आप मजबूत रहिए, ब्रह्मचार्य का पालन करिए और आपकी ओर ग्रेटनेस, जो मैं कहता हूँ हर बार, ग्रेटनेस इज कमिंग। चीयर्स गाइस।